Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching Sports and 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Sharjah se khabar ye hai ki Shaheenon ne ek dafa phir jhande gaad diye hain, Scotland ko hara diya hai aur jeet ka ye silsila rawan dawa hai. Semi-final ki taraf ab hum rawana ho rahe hain. Pehla semi-final 10 November ko khela jayega aur wo semi-final jo hai wo hai darmiyan England aur New Zealand ki aur uske baad 11 tarikh ko Pakistan mukabla karega Australia ka. Ye ab aapke final semi-finals hain. कल एक और मैच है इंडिया और नामीबिया का. क्यों है इसके ऊपर अलग से बात करेंगे. आइए नजर डालते हैं स्कोर कार्ड पर, समरी के ऊपर कि क्या थी. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की आज, फिर बाबर आजम ने टॉस जीता और एक अनयूजुअल स्टेप किया. उन्होंने कहा हम पहले बैटिंग करेंगे. बैटिंग करते हुए बाबर आजम ने 66 रन, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली. बाबर आजम जो है वो सबसे ज्यादा रन करने वाले T20 के कप्तान भी बन गए और उसके अलावा उनकी सबसे ज्यादा T20 के अंदर एज कैप्टन मिस सेंचुरीज भी है. चार बना चुके हैं बाबर आजम मिस सेंचुरियां. सो ग्रेट अचीवमेंट देयर. मलिक ऑफ कोर्स प्लेइंग दैट ब्लिस्टरिंग नॉक. इन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाई है और इसके साथ ही मलिक पाकिस्तान के T20 का रिकॉर्ड अब उनके पास आ गया है. टेस्ट मैच में मिसबाउल हक ने 21 बॉलों पे मिस सेंचुरी गाड़ी है. शाहिद अफरीदी ने ODIs के अंदर 18 बॉलों पे सेंचुरी गाड़ी है और आज हुए मलिक ने 18 गेंदों पे T20 में मिस सेंचुरी गाड़ी. Greaves, Hamza, Sharif, well, they all bowled, but it wasn't just too much. It was too much. खासतौर पर ग्रीव्स का आखिरी ओवर बहुत ज्यादा फेंटी लगी उनको. हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट स्कोर गिवन इन वन ओवर. जवाब में स्कॉटलैंड 117 रन, 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर. शादाब की फिगर्स लुकिंग वेरी गुड, 2 for 14 इन 4 ओवर्स. शाहीन ऑल्सो 1 for 24. Rauf there 1 for 27 and Hassan 1 for 33. Overall, well done Pakistan and congratulations to Team Pakistan. Mere saath maujood Pavilion ke andar Pakistani legends and superstars, the Sultan of Swing, the King of all things, Mr. Wasim Akram. Saath mein the toe crushing and always loving Waqar Younis, the cool, the calm, the composed, and always coming up with strange humor, Misbah-ul-Haq. The young, the dashing, and the vibrant, or apna takia, apna kambal, Wahab Riaz. And hardworking. And hardworking. And let's not forget that. Gentlemen, good news for Pakistan. Another one in the bag, Wasim. Yes, bilkul. Agar aapne thoda sa is pe. Not criticize is the right word. अगर थोड़ा सा जो मुझे वरी लगी है, ठीक है हम आराम से मैच इन दी एंड जीत गए, दैट वॉट मैटर्स, एवरीबडी मस्ट बी सेइंग दिस, बट यू नो समटाइम्स आपको डेवल्स एडवोकेट भी बनना पड़ता है. अब जो आ गए हमारा मैच है वो टीम ऐसी है जिसके खिलाफ आप कोई भी एक बॉल को भी रिलैक्स नहीं ले सकते. दैट्स ऑस्ट्रेलिया, देयर ऑन द पीक राइट नाउ. सो हमारा जो स्टार्ट हुआ है, हमने पहले 6 ओवरों में 35 स्कोर किया और उसमें 17 डॉट बॉल थी और बॉल कुछ टर्न नहीं था. और शुरू में मुझे लगा हल्का सा, आई होप आई एम रॉन्ग, बट आई फेल्ट दे वर बिट रिलैक्स एंड राइटली सो क्वालिफाई कर गए थे. मगर अच्छी टीमें वो होती हैं जो हर टीम के साथ कंसिस्टेंट जीते हैं. आज हम कन्विंसिंगली जीते हैं, मगर पहले 10 ओवरों में अगर यही अच्छी टीम के खिलाफ आपका 10 ओवरों में 60 हो तो आपको वो इतना स्कोर नहीं करने देंगे, स्पेशली टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया. वसीम, तो मेरे लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ. आपने बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को टच किया है. हमने जब इंडिया के खिलाफ खेला तो हमने पावर प्ले में सिर्फ 43 रन स्कोर किए. यस. फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला तो 30 रन स्कोर किए एक खिलाड़ी के नुकसान पे. फिर अफगानिस्तान के खिलाफ खेला तो 38 रन किए एक खिलाड़ी, अफगानिस्तान के खिलाफ एक खिलाड़ी के. नामीबिया के खिलाफ किया तो हमने पावर प्ले में 29 रन किए विदाउट एनी लॉस और आज भी हमने 35 रन किए. I don't know, I mean, critical nahi hona chahe. I want it to be constructive about this because I think somebody needs to address this. Yeah, that's what I've been saying. Ye achhi teamon ke khilaf India se aapne jeet liya, theek hai, 43 pe koi wicket nahi giri, 150 kind of hum chase kar rahe the. That's what the need of the hour was. New Zealand ke khilaf bhi chota total tha, Sharjah tha 30 pe ek, I can understand. But Namibia aur Afghanistan, Namibia ke khilaf 29 pe none. चलो वो मैच हो गया, उससे हम कुछ सीखे या नहीं सीखे वो आज पता लग गया. 35 पे कोई विकेट नहीं 6 ओवरों में. अच्छी टीम है मिसबा, लाइक न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक है, स्पेशली दे हैव अ स्पिनर लाइक जैम्पा हु इज इन गुड निक गेटिंग विकेट्स. यू थिंक दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन द सेमीज? आई थिंक इफ यू आर सेटिंग अ टारगेट यू हैव टू समवेयर अराउंड 45 आपको मिनिमम आपको सोचना चाहिए, कम से कम 40 प्लस कम से कम. अगर आप विकेट्स नहीं भी लूज कर रहे या लूज कर रहे हैं दैट्स अनदर स्टोरी, बट यू हैव टू बी समवेयर अराउंड 45 चेज में, क्योंकि मोस्टली मैच चेज में खेले हैं. यू नो द टारगेट कि हाँ ये टारगेट कम है, हम
40 भी करेंगे 38 भी करेंगे वी नीड अ गुड पार्टनरशिप दैट्स फाइन बट व्हेन यू आर सेटिंग अ टारगेट डोंट लीव टू मच बिहाइंड कि आखिरी चार पांच ओवर में अगर हिटिंग नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं तो उसको उस तरीके से ब्रेकअप करें ओके वकार लेट मी ब्रिंग दिस टू यू नाउ हमने बात कर ली कि ये पावर प्ले के अंदर एक नजर आ रहा है कि दिस इज नॉट इनफ नाउ सपोज अब नॉट सपोज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन द 11th हेजलवुड है वहां पर कमिंस है वहां पर जैम्पा जैसा कि वसीम ने अभी पॉइंट आउट किया वो है वहां पर अगर हम नामीबिया अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड जैसी टीमों के खिलाफ 38, 29, 35 कर रहे हैं तो जब इस नौयत का डिसिप्लिनड तेज बॉलिंग करने वाला ऑपोजिशन अगर आएगा तो आई वुड बी लिटिल कंसर्न एंड वरीड हियर लोग पहले तो आई थिंक थोड़ी सी तारीफ करने दें मुझे बिल्कुल 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 पाकिस्तान प्लेड एक्सट्रीमली वेल बिग मार्जिन से मैच जीता है पाकिस्तान ने यू नो बॉलर्स आर डूइंग रियली वेल बैटर्स आर इन फॉर्म सो अच्छी बात यह है दैट इज अ वेरी वेरी प्लस 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 ठीक है इश्यूज हैं वो आज बड़े वाजे नजर आए हैं हम लोग कमरे में बैठ के भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद हो सकता है जैसे मिसबा ने कहा ना कि आप जब चेज कर रहे हैं तो शायद आप उसके हिसाब से जो आपका टारगेट होता है उसके हिसाब से खेलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट वहाँ थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है हमारे पूल में वीकर टीम्स थी ये याद रहे कि जो हमारे पूल में दो टीमें थी वो वीकर थी right. हमने उनके अगेंस्ट वी जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट नॉट ओनली रिलैक्स बट ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा ना कुछ सेल्फिश अप्रोच मुझे लगी टू बी वेरी ऑनेस्ट टू बी ब्लंटली ऑनेस्ट ना कि मुझे ऐसा लगा कि यार वी जस्ट वॉन्ट कि मैं कर लूँ मुझे ऐसा लगा मे बी आई एम रॉन्ग आई होप आई एम रॉन्ग बाद में डेफिनेटली रिकवरी ज़रूर कर ली बहुत अच्छा खेला मलिक यू नो देवर ऑफ कलर टोटली यू नो उनको समझ नहीं आ रही थी नामीबिया को तो आई फील के येस डिस्कशन इस पर ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो पावर प्ले है कि वी नॉट लूजिंग एनी विकेट्स वी लॉस्ट ओनली ट्वाइस वी लॉस्ट वन विकेट्स अदरवाइज वी डोंट लूज विकेट्स सो व्हेन जब आप विकेट्स नहीं लूज कर रहे तो आपको फिर आई थिंक यू नीड टू पुश इट सबसे अच्छा पाकिस्तान का लगा था जब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेला था यू नो ऑल्दो 150 ही करने थे लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आ जिस तरीके से आई मीन रिजवान खेला जिस तरीके से बाबर खेला दे वर जस्ट दे मीन बिजनेस वो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो जो पैडल पे पैर है ना वो उठा लिया आई थिंक सो फार हम सब ने देखा जो व्यूअर्स हैं क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने ये नोट किया कि T20 में एक अग्रेसर होता है बैट्समैन और एक होता है जो इनिंग्स को लंबी मिलाता है आई सपोज इस पाकिस्तान के जो ओपनिंग पेयर है हमारे रिजवान और बाबर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी बट बाबर इज द गाय जो एंड तक जाता है दैट्स द प्लान इज़न्ट इट एम आई राइट बाबर विल गो टिल द 15th ओवर दैट्स व्हाई ही प्रॉब्ली विल गो रन अ बॉल इसलिए भी आज उसने उसका 50 भी आज 40-45 गेंदों पर हुआ था सो दैट्स हिज अप्रोच बट रिजवान ऑन द अदर एंड He has to play shots. Today, इसने शॉटें खेली हैं एक छक्का भी मारा है बट क्रॉस खेल रहा था अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको कर रहा है बॉल वो टर्न नहीं हो रहा तो आप विकेटों की तरफ आओगे रूम नहीं ये इधर नहीं जाओगे बिकॉज टर्न नहीं हो रहा राइट वो आपको सीधा क्रॉस जा रहा है आप उधर जाकर उसे एक्स्ट्रा कवर या खड़े खड़े सीधी दोगे सो ये चीजें आई थिंक बड़े मैच में इम्प्रूव करनी है मिसबा ने 19 बॉलें खेली 19 बॉलें खेले मिसबा मेरा एक सवाल है और बड़ा लगती थी बेसिक सी बात है आपने भी ये बात बार बार बोली है हमने कमेंटेटर्स को सुना है पिच रिपोर्ट करने वालों को सुना है कि भाई शारजा में बॉल नीचे रहता है स्किडिश आता है तो बेस्ट ये है कि बजाय आप क्रॉस खेलने की कोशिश करें क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करें बेहतर ये है कि आप सीधा खेलें एक चीज़ वाजे करता चलूँ जो वकार ने बोला हम तनकीद हरगिज़ नहीं कर रहे हम इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी सही है कि नहीं है मिसबा शुरू की जो हमारे पावर प्ले की है क्योंकि जब बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे तो क्या ये स्ट्रेटजी तब भी बरकरार रहेगी और कामयाब रहेगी दैट्स द अप्रोच दैट्स व्हाट आई एम मेबी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप कर सकते हो लिटिल बिट बिकॉज दे हैव दे प्रोबब्ली गो विद 4 रेगुलर बॉलर्स 3 फास्ट बॉलर्स ज़ैम्पा एंड देन ऑफ कोर्स टोइनीज एंड मैक्सवेल राइट तो उन पे आप अटैक रख सकते हो कि उनका एक बॉलर है जो नॉन रेगुलर है देखिए एक चीज़ हमें और भी जहन में रखनी चाहिए लुकिंग एट द नेचर ऑफ हाउ बाबर एंड रिजी रिजवान प्ले नॉर्मली दे आर वेरी गुड अगेंस्ट पेस जब एक्स्ट्रा पेस उनको मिलती है बाबर और रिजवान दोनों उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं हमने साउथ अफ्रीका में देखा हमने न्यूजीलैंड में देखा हमने इंग्लैंड में देखा जहाँ पे थोड़े कम पेस वाले बॉलर आते हैं या स्पिनर आते हैं नॉर्मली उस पर रिजवान चार्ज करता है
ऑब्वियसली यहाँ पे उसको बाउंस नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, डिफरेंट बॉलर दोनों लेफ्ट आर्म आ गया और उसको वो लेंथ नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा सा ना स्ट्रगल किया। नॉर्मली आप देखें कि जब भी स्पिनर आता है या कोई ऐसा बॉलर आता है तो रिजवान ऑलवेज अटैक, बिल्कुल, और जब क्विक बॉलर आता है जैसे ऑस्ट्रेलिया के बाउंस है, पेस है, स्टार्क, इनको मेरे ख्याल में बाबर की होती है हमारी, क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट मार के 45 से 50 रन मोस्टली बाहर ऐसी कंडीशंस में वो कर देते हैं। तो होपफुली कि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना है, थोड़ा सा रिलैक्स भी होंगे ऑब्वियसली, 150 करना है स्टीम अगेंस्ट, नोइंग के इनके पास डेथ बॉलिंग नहीं है, मिडल ओवर्स में स्पिनर जो लेग स्पिनर आएगा वो उस तरह का नहीं होगा, मीडियम पेसर विल कैश हो, तो समटाइम्स ये होता है अकॉर्डिंग टू अ पोजीशन आप करते हैं, बट आई थिंक सेमीफाइनल में डिफरेंट अप्रोच होगी। मेरा ये है कि हम लोग चलो हम तो ऐसा खेले, हम थोड़े से रिलैक्स हो गए, दूसरी टीमें नहीं हुई, दूसरी टीमों ने अब वीकर ऑपोजिशंस के अगेंस्ट दे पुश देम टू द वॉल। आपकी बात ठीक है, बट एंड ऑफ द डे इट मैटर्स व्हेन यू आर अगेंस्ट दैट टीम। जब ऑस्ट्रेलिया के सामने आएंगे तो डजंट बिकम अ हैबिट, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, इट विल मैटर डेफिनेटली व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट देम। हम फिर ऐसे नहीं खेल सकते, वी हैव टू बी एट आवर बेस्ट। आज जो भी किया या नहीं किया, एंड वी शोड अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वी शोड कि वी वर एट आवर बेस्ट। That's what we need to produce. We were supposed to showcase that we are a team to be reckoned with. Wahab, Fakhr Zaman, what's going on there? देखिए Fakhr is getting starts, लेकिन वो उसको utilize नहीं सही तरीके से कर रहा। Last match में हमने देखा था कि जब वो आया है तो acceleration की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग पहले 10-12 ओवरों में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, और आखिरी 10 ओवरों में जो है वो हम लोग जो है वो फिर acceleration पैडल पर जो है वो पाँव रख रहे हैं। सो बेसिकली जब Fakhr लास्ट मैच में आया, क्योंकि रिजवान और बाबा की पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी गई है 10-12 ओवरों के बाद, वो आया, सो यू नो जब 8 ओवर रह गए और आपके पास 9 विकेट हाथ में है, तो एज अ प्लेयर यू हैव टू गो आफ्टर द बॉलिंग, एंड दैट्स व्हाट उसने कोशिश की, बट वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, अनलकी था। और आज भी जो है वो शारजा का जो विकेट है वो थोड़ा सा लो बाउंस था, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, सो प्रोबेबली आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद Fakhr। Fakhr इज़ समबडी जो कि क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी एक्सप्लोसिव, और एक आधे मैच में अगर ऐसा हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, होपफुली ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको लेकर चलते हैं मैन ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान केबल्स। ऑलराइट, देयर यू हैव द पैकेजेस आर आउट ऑफ द वे। आज एक और मैच भी हुआ था दोस्तों, दिन वाला मैच हुआ था, एंड दैट वाज न्यूजीलैंड बामुकाबला अफगानिस्तान। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दफा का जिक्र है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ और इंडिया हार गया। कुछ इस तरह की स्टोरी हुई थी, ये इस तरह के मीम्स चल रहे हैं इस वक्त। अनवर मकसूद साहब का खास पैगाम आया जब उन्होंने पहला मैच देखा, और वो पैगाम मुझ तक जब पहुंचा तो वो पैगाम था कि पता नहीं, यूँ लग रहा है कि एक ही वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 2 दफ़ा हरा दिया। तो वो भी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, पर सूरत हाल कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम बीच में आए थे, मैं और वहाब रियाज बीच का एक छोटा सा सेगमेंट करने के लिए, तो उस वक्त वहाब रियाज ने वसीम आपकी तरफ से एक पैगाम दिया था अवाम को, सुन देखती आंखों सुनते कानों, क्या था भाई बता? देखती आंखों सुनते कानों, वसीम अकरम का तुम्हें सलाम, रोटी रज के ते मुंडिया नू तुन के। ये रोटी रज के ते मुंडिया ने तुन के, ये क्या स्टोरी है भाई? ये स्टोरी ये जो इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और उस कहानी को बताने के लिए वकार यूनुस। वकार, इट्स ओवर टू यू। मैं नहीं बताऊंगा भाई, ये क्या बात है? मैं नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है यार, मुशी की स्टोरी है, मालूम है, ये मुझे फंसा रहे हैं। नहीं, मुझे पता है, और उसने मेरे से नाराज हो जाना। I'll guarantee you. You guarantee me? Guarantee आ गई जनाब। दसो फिर हम तारों दस। बताएं जनाब। अच्छा जी, 90s का ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए याद रहते हैं। तो ये एक फ्रेज़ मुश्ताक साहब की ज़ुबानी था, तो वो हम बांग्लादेश में थे, उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात है जब कप्तान सेल पे थे पाकिस्तान। हाँ, कप्तान जब बहुत ऐसे होता था कि जैसे यू नो बार रेडी थे विकेट, तो वो सेल पे होते थे कप्तान। आई एम टॉकिंग 90s, नो सारे एक टाइम थे तो सारे कप्तान बन गए थे ना, एक दो रह गए थे बीच में, एक इजाज़ भाई रह गए थे और एक मुश्ताक साहब रह गए थे। अब मुश्ताक साहब को बीच में लगी होती थी कि यार सारे बन गए थे, मैं क्यों नहीं बना रहा। तो एक दफा खाना खा रहे थे, तो माशाल्लाह उन दिनों खाना भी खूब खाते थे, तो सालन रोटी गोश्त वोश जो भी था वो खा रहे थे। तो
इसी तरह किसी ने शरारत की कि यार बात चल रही है कि ये बांग्लादेश के टूर के बाद हम वापस जा रहे हैं और कप्तान बदल रहा है, पता नहीं कौन कप्तान था मुझे याद नहीं, तो कह रहे कि बात हो रही है कि राशिद कप्तान बनेगा और मुशी तू वाइस कप्तान बन रहा है। मुश्ताक साहब फौरन कान खड़े हुए कि ये तो अपने मतलब की बात हो रही है। और मुशी साहब ने खाते खाते फिर कहा, उसने कहा नाना, नाना बोलते थे हम राशिद, उन्होंने कहा नाना तू फिक्र नहीं करनी, असी रोटी रज के खानी है तो मुंडिया नु तुन के रखना। ते दोस्तों असी ब्रेक रज के लेनी है ते मैं मुंडिया नु तुन के रखना है। आप एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। हम बात कर रहे हैं शारजा, जहां पाकिस्तान ने एक और मैच जीतकर अब आगे बढ़ रहे हैं सेमीफाइनल की तरफ, स्कॉटलैंड को हराया है। नाउ हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, पहली बात तो यह कि हरगिज किसी तरीके से भी कोई नेगेटिव या क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस और टीम बिल्कुल अपने ऑप्टिमम पे जाए इनटू द सेमीफाइनल्स एंड इंशाल्लाह इनटू द फाइनल्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग वरिंग थिंग्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। अच्छी चीजों का तो पता है सबको कि पांचों के मैच जीत गए हैं, अब सेमीफाइनल इज अ नॉकआउट गेम, राइट? सो दैट्स व्हाई लेट्स टॉक अबाउट वसीम द पाकिस्तानी बॉलिंग। सो यस, वेरी गुड फिगर्स फॉर एवरीबॉडी, बट इन बिटवीन वी सॉ सम लूज बॉल्स बोल्ड, वी सॉ सम एक्सपेरिमेंट्स बीइंग डन, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अब दिस इज द प्लेस वी शुड बी एक्सपेरिमेंट्स, प्रोबब्ली नॉट, बट आई थिंक द मोस्ट बोरिंग बिट इज द स्नोबॉल्स। यस, 10 स्नोबॉल हुए हैं सो फार पाकिस्तान की तरफ से, न्यूजीलैंड ने अभी तक एक भी नो बॉल नहीं किया इस टी20 वर्ल्ड कप में, और ये पांच हसन किया और पांच शाहीन किया, 6 मैच में, नॉकआउट मैच में, क्लोज गेम में एक नो बॉल चेंज कर सकती है। क्यों, क्या ख्याल है आपका वहाब? और शुक्र आपने इतनी तो 40 होनी है। आपने सवाल पूछा यार, नहीं मुश्किल है, आई थिंक नो बॉल स्पेशली ऐसे सर्कमस्टांसेस में जिधर आप अंडर प्रेशर हो और बड़ा मैच हो तो वो दैट कैन बी वेरी कॉस्टली, बट आई थिंक कुछ थोड़ा सा ओवर ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग। आई थिंक वी शुड बी ऑन आर जो हमारी बेसिक रूटीन्स है, वी शुड बी वेरी, आर अप्रोच शुड बी वेरी सिंपल, के वी नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट और आउट ऑफ द यू नो इक्वेशन। विकी, बिफोर यू आस्क हिम क्वेश्चन, माय क्वेश्चन वन, इससे क्वेश्चन ही आता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, फॉर इंस्टेंस सेमीफाइनल ऑफ PSL नॉकआउट, अगर नो बॉल एक हो गई आपसे, यू नो पहली बॉल ने दूसरी बॉल ओवर की, सो व्हेन यू वॉक बैक टू योर मार्क, सो व्हाट कम्स इनटू योर माइंड द फर्स्ट थिंग, कि मैंने फ्रंट फुट देखना है, बॉल पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, एम आई राइट? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है वसीम भाई, असल में जब आप जोर लगा रहे होते हो तो आपका पाँव जो है वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, जिसकी वजह से नो बॉल हो जाती है, आपका वो जो लास्ट स्टेप है वो थोड़ा सा खुल जाता है। जब आप वापस जा रहे होते हैं तो वो प्रेशर इस वजह से भी ये होता है कि वो डॉट बॉल करना चाहिए, एक तो जो बैट्समैन है उसको लिबर्टी मिल जाती है कि वो जिधर मर्जी जैसे मर्जी खेले, क्योंकि उसने उस बॉल पे तो आउट होना नहीं है। सो सेकेंडली कि आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ उस बॉल की, स्पेशली 6 ओवरों के अंदर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी वेरी परफेक्ट वन, अदरवाइज थोड़ा सा भी गैप बनेगा या ऊपर से खेल दिया या इवन एज जगह दैट विल गो फॉर द बाउंड्री, और फिर जो सारा प्रेशर है वो एज अ बॉलर आपके ऊपर आ जाता है। आप कुछ कह रहे थे जी, मैं ये सॉरी वकार, नो बॉल आपकी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी का ये नो बॉल है, दिस इज अ कंसर्निंग थिंग। यस वकार, गो अहेड, लुक वेरी क्लियर ओवर द लाइन, आई मीन वी शुड नॉट इवन गेट नियर द लाइन, ये पैर जो है ना आधा आधा होना चाहिए, बल्कि आधे से भी अगर पीछे हो सके फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आपका फोकस और आपकी कॉन्सेंट्रेशन सारी बॉल पर चली जाती है। अगर यहाँ पैर पड़ेगा एक तो फ्री हिट आती है, फिर दूसरा ये कि आप हर वक्त यही सोच रहे हैं कि मेरा पैर आगे ना निकल जाए, मेरा पैर आगे ना निकल जाए, सो दे हैव टू स्टॉप दैट। मैं पहले एक दो मैच तो आई वॉज नॉट दैट वरीड, आई वॉज थिंकिंग कि चलो यू नो हसन का फ्रीडम नहीं आ रहा, हसन के यू नो आ जाएगा, इट्स बीन 5 गेम्स नाउ, यस यू नो, एंड इफ दे स्टिल डूइंग इट, और अगर अभी भी हो रहा है, दैट इज नॉट ऑन, दैट इज नेगलिजेंस। अंडर प्रेशर ये फ्रंट फुट और आगे जाएगा, और आगे जाएगा ना, एम आई राइट? मेरा क्वेश्चन ये बनता है, इफ आई वुड हैव बीन देयर राइट नाउ, आई वुड हैव मेड बोथ ऑफ देम सिट एंड से कि जी 5 दिन हो गए हैं, पिछले 5 दिन से क्रिकेट हम लोग नहीं खेल रहे हम लोग ना, सो दे हैड टाइम टू फिक्स दिस, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अभी तक इन 10 नो बॉलों ने डैमेज नहीं किया आपको,
कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे गलत टाइम पे इसका नुकसान हो सकता है कि देन फिर उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका क्या पांच दिन में क्या काम करते हैं? बॉल फ्रॉम बिहाइंड द लाइन, बिहाइंड द लाइन इन नेट्स। आई मीन वहां नेग्लिजेंस हुई है ना कि जी बेसिकली चलो करी जाओ, नहीं यहाँ कोई देख नहीं रहा या कोई देख रहा है अगर सपोजिंगली तो वो उतना एहतियात नहीं कर रहा। सो आई थिंक दैट्स ये इस पर बहुत फिक्र करनी चाहिए कि ये इस तरह नहीं चलेगा। और हसन तो चलो फिर भी मैं अभी भी कहता हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन लेकिन शाहीन का नो बॉल करना दैट इज वेरी यू नो। लेट्स टॉक अबाउट हसन अली फॉर अ मिनट। आपने कहा कि आप पहले वरिड नहीं थे लेकिन अब आप वरिड हैं। मैं उनकी मैं क्या बहुत सारे फैंस जो थे मुसलसल ये बात कर रहे थे, फैंस के अलावा जो क्रिकेट के कुछ क्रिटिक्स वगैरह हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि हसन स्ट्रगल कर रहे हैं। हसन अली ही इज अ ग्रेट यू नो क्रिकेटर, ही इज एन एसेट फॉर द कंट्री, बट ही वॉज ऑफ कलर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम। एंड आपने कहा दे एक और चांस दें बेहतर होंगे, एक और चांस दें। आज भी यूं लग रहा था कि ही इज द वीकर लिंक टुडे, एंड व्हेन आई से वीकर लिंक आई मीन इन पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटायर बॉलिंग दैट वी हैव राइट नाउ। वसीम, हाउ वरीड शुड वी बी नाउ एंड इज इट टू लेट टू मेक एनी चेंज? आई सपोज वी डोंट हैव टू वरी, इज अ मैच विनर, ही विल कम बैक, बट अगेन एज लॉन्ग एज ही गेट्स हिज बेसिक्स राइट। वो जैसे वकार एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाब ने भी एक्सप्लेन किया कि फ्रंट फुट जब आप पहला ओवर का स्पेल करो, पहली बॉल आपकी वो लाइन के पीछे गिरे, अगर ये लाइन है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर ये लाइन है आपकी वाइट लाइन, तो आपका पहला जो पहले स्पेल का पहला बॉल है वो यहाँ पे गिरे, इसका मतलब है कि आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि बॉल ने पाँव ने मेरे फ्रंट फुट ने यहीं गिरना है। उसके बाद आप स्प्रिंट मार के जिस्म खोल के जोर लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका पाँव हाफ एंड हाफ आ जाएगा, नहीं थोड़ा ज़्यादा। अगर आप पहले ही बॉल क्लोज करोगे तो जब जोर लगाओगे तो वो इट्स मेंट टू गो लाइन से आगे बॉल जाएगा ही जाएगा आपका। आजकल नहीं रही, वो डिप नहीं आ रहा इसमें, बिकॉज आई थिंक अगर हमारे पास वो निकलवाया था, एक हमने क्लिप निकलवाया साकिब, अगर आप वो चला दें तो बहुत अच्छा। जो आपने नोट किया था वसीम, आपने और वकार ने जब मैच चल रहा था, वो हसन अली की एक स्लो ये यहाँ पर जब उनको ये शॉट पड़ा है जी, अनलकी हसन का ये ग्रिप देखें और ये I think there is a little bit of difference which I remember from the old days of Hasan's slower one, जब बिल्कुल पिक नहीं होता था जी, और अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फर्क है। ये पिछला अगर रिप्ले दोबारा दिखाएं जो जहाँ पे उंगलियां स्प्रेड कर रही है, एक दफा दोबारा आपकी स्क्रीन पे पेश करते हैं और यहीं पे पॉज कर दीजिएगा और मैं वकार आपके पास बॉल यहाँ पर दे रहा हूँ। ये उसके आंख में गिर गया, वैसे बुरा बॉल नहीं था, अगर थोड़ा सा पीछे गिरता था वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, हो सकता विकेट मिल जाती इस पे। लेकिन डेफिनेटली जो बॉल है ना जब हाथ से निकल रहा है ना हसन के, सी दिस दैट्स फाइन यहाँ तक भी ठीक है। अब होता क्या है कि जो बॉल है ना इसका हसन का सीधा, हाँ अब आ सकते हैं, यू कैन कम बैक टू द स्टूडियो। होता क्या है कि ये ऐसे ही करता था पहले भी ऐसे ही ऑफ स्पिन ही करता था। जो मुझे ऐसे लग रहा है जो मैंने पुराने एक्शन से या पुराने इसके हाथ से अब जो है वो ये है कि पहले इसका बॉल जो था ना इसका यहाँ से निकलता था, जो स्लोअर वन था ना वो यहाँ से निकलता था, यूज टू कम आउट ऑफ दिस प्लेस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इट्स कमिंग लाइक दैट, इस जैसे ऑफ स्पिन नहीं पता लग रहा है, डिप नहीं हो रहा। इससे जब ये इसका यहाँ से निकलता था ना यूज टू डिप, आप आर्म स्पीड अभी भी उतनी है विच इज गुड, बट ये है कि थोड़ा सा इसको ये जो है ना यहाँ के बजाय इसको दोबारा इसको देखना पड़ेगा, ही कैन गो बैक टू दैट। तो बॉल इसका यहाँ से निकलना चाहिए हाथ से, जब यहाँ से निकलता है ही इज अ वेरी हार्ड मैन टू पिक एज अ बॉलर। यस इट इज, एंड कैन एनी बॉलर चेंज दिस इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज? या ही कैन, इसने तो किया हुआ है ना। हाँ मैं किसी नए बच्चे को बता रहा हूँ तो उसको समझ आते हुए हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ही हैज बीन डूइंग दिस। सी दिस इज मोर लाइक एन ऑफ स्पिनर, ही इज कटिंग इट दिस वे, ही यूज्ड टू ब्रिंग द बॉल फ्रॉम हियर, टॉप से ऊपर, जैसे टॉप स्पिन नहीं होती, ही यूज्ड टू बॉल फ्रॉम देयर, एंड दैट्स व्हाई द डिप निकलता था ना, तो देन ही यूज्ड टू डिप अ लिटिल बिट आल्सो, दैट डिप वाज द, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, दैट डिप वाज द की, आई फील दैट्स वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड विद यू, थैंक्स, थैंक यू वकार, दैट इज रियली नाइसली एक्सप्लेन्ड। वहाब, चूंकि आप इस करंट टीम के साथ खेलते रहे हैं, ठीक है, आज जो आपने बॉलिंग देखी, बॉडी लैंग्वेज देखी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी, आपको क्या लगता है क्या हो रहा था आज? आपको लगता है कि थोड़ा सा बॉयज कंप्लेसेंट हो गए, नाना करते हुए भी थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई? देखिए
लग तो रहा था कि दे वर अ लिटिल बिट कंप्लेसेंट. वो हमने देखा है कि बॉलिंग में भी थोड़ा सा देखा है, बैटिंग में भी हमने थोड़ा सा देखा है. उसकी वजह ये होगी कि हम लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले कुछ दिनों में और हम लोग क्वालिफाई भी कर चुके थे. सो मे बी द बॉयज शुड वॉन्टेड टू टेक अ बिट मोर चांस टू गेट इन टू द रिदम मोर, जिसमें बैटिंग में दे वॉन्टेड टू प्ले सम मोर बॉल्स, सम एक्स्ट्रा बॉल्स, ताकि वो जो एक कॉन्फिडेंस है यू नो, क्योंकि चार दिन का गैप आ गया, तीन दिन बाद हम दोबारा सेमीफाइनल खेलेंगे. सो दैट कुड बी द ओनली रीजन कि हम देख रहे हैं कि वो थोड़े से दे अवॉइड कंप्लेसेंट. बट आई थिंक कि द वे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, उनको उसी तरीके से करते रहना चाहिए. ये तो प्रॉबेबली हमारी सोच है कि हम क्या सोच रहे हैं और हमें क्या लग रहा है देख के. हो सकता है दे माइट हैव समथिंग एल्स बिहाइंड इट कि वो क्यों इस तरह थे या किस वजह से इस तरीके से जा रहे थे. आई थिंक हारिस ने आज फिर बॉलिंग बहुत अच्छी की, शाहीन, एवरीबडी बोल्ड रियली वेल. बट आई थिंक कहीं ना कहीं दे वर ट्राइंग टू सी समथिंग और मे बी दे वर ट्राइंग टू यू नो, जब ऐसा मैच होता है आपको पता है 190 है, ऐसी टीम है, तो मैं थोड़े सा चांस लेके देखूं कि क्या होगा, वेदर मेरा वेदर जो मैं करना चाह रहा हूँ वो होगा सही तरीके से या नहीं होगा. सो आई थिंक दे वर जस्ट ट्राइंग टू एग्जीक्यूट डिफरेंट प्लान्स कि उनको किस तरीके से, किस बॉलर को ऑफ स्टंप के बाहर, स्लोअर वन बीच में, यॉर्कर या बाउंसर, वो किस तरीके से करना. तो आई थिंक इट वाज़न्ट बैड टू डू दैट एट ऑल. ओके, दैट्स फेयर इनफ. मिसबा गोइंग इनटू द सेमीफाइनल नाउ एंड आई थिंक पूरे पाकिस्तान की नज़रें गड़ी हुई हैं इस वक्त अपनी टीम के साथ, उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो इसलिए हम लोग बड़े मोहतात गुफ्तगू भी मोहतात नोयत की कर रहे हैं और मोहतात होना चाह रहे हैं हर तरीके से, हर पहलू से. इस वक्त क्या होना चाहिए, अगले जो तीन दिन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, ये क्या इसमें इनकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए इस वक्त जल्दी से एड्रेस करने के लिए, अगर कोई भी? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान शुड फील कॉन्फिडेंट. जो सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान की फेवर में जा रही वो ये है कि लास्ट 2016 से हम यहाँ पे T20 नहीं आ रहे. 16 मैच हम जीते हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जीते हैं, न्यूजीलैंड से भी जीते हैं. सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. मोस्टली यही लड़के खेले हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त रही. फार्मूला पता है हमें, हमने कैसे खेलना है, और दुबई स्पेशली मेरे ख्याल में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं हम वहाँ पे, उस वेन्यू पे मैच वहाँ पे है, दैट विल सूट आवर टीम. बिल्कुल, दे विल, दैट ग्राउंड डेफिनेटली सूट्स अस. दूसरी जो चीज़ है जो हम बार बार कह रहे थे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा हम वापस आए उस जोन में जैसे हमने इंडिया के अगेंस्ट शुरू किया था. प्रोसेस, डिसिप्लिन, एक एक बॉल कैसे करनी है हमने एज अ बॉलिंग यूनिट, उसको हमने पूरा लेके, हमने अफरा तफरी नहीं मचानी ऊपर से. शाहीन डिसिप्लिन स्टार्ट, वो जो अंदर लाता है जिस तरीके से अर्ली ऑन, बिल्कुल वो सक्सेसफुल हो सकता है मेरे ख्याल में. ही इज़ द वन जो कि दोनों ओपनरों को तंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के. और अगर वो इस जगह पे बॉल करेगा जैसे इंडिया के खिलाफ किया, दैट नीड्स टू बी डन. आई मीन, वो अभी से प्रैक्टिस उसको करनी शुरू करनी चाहिए कि मेरे पहले दो ओवर ये होंगे. एंड रेस्ट ऑब्वियसली जो जो आएगा, शदाब व्हाट ही इज़ डूइंग, इमाद व्हाट ही इज़ डूइंग, बिल्डिंग प्रेशर, टेकिंग विकेट्स इन द मिडल ओवर्स, एंड देन डेथ बॉलिंग. ये तो बॉलिंग हो गई, बैटिंग अगेन डिसिप्लिन, उसी तरीके से हमने कोशिश करनी, अच्छा स्टार्ट ऊपर से लेके चलें, एक बेस बनाएं. और जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि 160 तक अगर हम पहुंचते हैं या 160 प्लस करते हैं, तो हमने यहाँ पे इन टीमों को वो नहीं करने दिया. एनीथिंग ओवर 150 ये पाकिस्तान को बहुत कॉन्फिडेंस देगा. इस सारी चीज़ें माइंड में रख के हमें टॉस पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हारता भी है, तो अगर वो पहले बैटिंग भी करते हैं तो दे शुड गो टू एम शुड बी 160. बिल्कुल, मेरे ख्याल में हम जो मैच जीते हुए यहाँ पे अगर सारे मैचों के स्टैट निकाले, हमने 150 160 रन्स करके हमने इन न्यूजीलैंड के गेंस भी डिफेंड किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के गेंस भी डिफेंड किए हुए हैं, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि हमारे पास हर किस्म का रिसोर्स है, जो कि जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म, वही हसन अली हैं, शाहीन में भी आमिर था उस टाइम, अब शाहीन है, इज़ बॉलिंग वेल. फिर आपके पास हारिस ब्राउफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, दो स्पिनर्स, तीन स्पिनर्स हैं आपके पास, हफीज़ है, फिर मलिक भी है, फिर लेग स्पिनर आपका बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है शादाब, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हुआ है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने आज भी. इमाद वसीम इज़ बॉलिंग वेरी वेल. सो ऑल बेसिस आर कवर्ड, सो दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पाकिस्तान टीम. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा दोस्तों, एक जहाँ आपको पता है हम सीरियस गुफ्तगू करते हैं वहाँ पर और भी चीज़ें चलती रहती हैं. वो एक मीम है जब अंजुम चोपड़ा ने हारिस रऊफ का इंटरव्यू किया था और हम हारिस रऊफ के
एक्सप्रेशन से बहुत मुतासर हुए. हम तो जो हुए ही हुए वो हुए, मगर जो वसीम अकरम हुए वो तो एक बेमिसाल एक कहानी है. तो आज लाइव मीम करके दे रहे हैं, हम लाइव मीम आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं. सोचिए कि मैं अंजुम चोपड़ा हूँ, ज्यादा सोचिएगा मत इस पे. तो कप मारूंगा मैं खींच के, तो मुझे पता था ये होगा. लग रहा था कि ये कहेगा. ओह बॉय, वी हैव गॉटन इनटू दैट जोन, वी हैव कम इनटू दैट आइडियल जोन. सो आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन अंजुम, और ये आप कट करें वसीम अकरम का क्लोजअप, चूंकि ये सारा ये कहानी जो है ना वो वसीम अकरम की है. तो वसीम बताइए कि इस युद्ध के अनुभव में आपकी प्रधानशन से क्या आप संतुष्ट हैं अच्छे तरीके से? अरे गाय दिस इज जस्ट फन. 12 बज गए, 11:30 पौने 12, तो इस तरह की 12 बज गए, 12:30 बज गए, अनुभव प्रदर्शन युवा कृपा. Poor guy got lost. वो वैसे बेहतर होता है अंग्रेजी में पूछ लेते. Exactly. He would have probably navigated that one better. With that also. क्या हो गया बाप? अंजुम चोपड़ा नजर आ रही है. अच्छा तेरी ऐसी नहीं तैसी अंजुम चोपड़ा नजर आ रही है. दोस्तों आप लोग ले एक ब्रेक पेविलियन पे, हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. अरे All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स. Our continued coverage of the men's ICC T20 World Cup, and it's been a great ride so far. Congratulations पाकिस्तान के तमाम फैंस को, बहुत मुबारक हो, एक और जीत हमारे नाम हुई. सेमीफाइनल की तरफ अब जा रहे हैं. 10 नवंबर को पहला सेमीफाइनल होगा, इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड, और फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया. दुबई से आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ पहलुओं पर, शॉर्टली एक जरा समराइज कर लेते हैं फटाफट. स्टार्टिंग फ्रॉम यू वसीम, व्हाट डू वी एड्रेस क्विकली एंड हाउ डू वी हेड फॉर द सेमीज? आई थिंक जो भी चीजें थी हमने डिस्कस कर ली, एंड देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग अननेसेसरी स्टफ. आई थिंक जस्ट नेक्स्ट 3 days लाइट प्रैक्टिस, एंजॉय, रिलैक्स, यू हैव डन इट. नाउ फॉर द नॉकआउट गेम, गो आउट एंड एंजॉय योर गेम मैन, दैट्स इट. दे कांट डू मोर देन दैट. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा होमवर्क करना भी इज टू मच. आई थिंक एक दिन लड़कों को बबल नहीं है, जस्ट टेक इट आउट टू सम फन पार्क और हैव सम फन विद फैमिलीज, एंजॉय, एंड देन कपल ऑफ डेज लाइट प्रैक्टिस. मिसबा आप होते हैं, आपके करते हैं मिसबा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मेरे ख्याल में बस सिंपल अपना रखें, जो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको याद रखें, थोड़ी बहुत उसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो करें, बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें. सोचने को सेमीफाइनल है, पता नहीं हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा सोचना है, प्लानिंग करनी है. आई थिंक वी ऑलरेडी डिड दैट, हम जीते हुए इनसे, उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करें. ऑलराइट, इसके साथ ही दोस्तों शुरू करते हैं सिलसिला अपना आस्क द पेविलियन का. हैशटैग आस्क द पेविलियन फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं. बदकिस्मती से हमारे पास वक्त की कमी होती है, बहुत से सवालात आ रहे होते हैं और बहुत से सवालात रिपीट हो रहे होते हैं. बहुत से सवालात 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसका जवाब ऑलरेडी हमने दे दिए होते हैं. इट जस्ट बिकम्स अ लिटिल टीडियस टू रिपीट द सेम क्वेश्चंस अगर किसी और की तरफ से आ रहा हो. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं. पहला सवाल है जनाब हसन मतलूब की तरफ से आज द पेविलियन में, और ये वहाब और वसीम आपसे है. शुड हफीज बी यूज्ड टू बोल अगेंस्ट ऑजीज इन सेमीफाइनल कंसिडरिंग स्पिनर्स हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन दुबई, ऑजीज डोंट लाइक स्पिनर्स एज मच एज फास्ट बॉलर्स एंड दे हैव टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन द टॉप 6. यस श्योर, आई थिंक ये यूज करेंगे हफीज को नाइ अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट वार्नर, बट दूसरे एंड में फिंच है जो ऑफ स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है. सो दे भी उनके टीम में माइंड होगा, बट इट्स कॉमन सेंस इफ ही इज फेसिंग द फर्स्ट बॉल Warner, then they can start with the fees. But obviously, you also need your main bowler to have the bowl the first over. ताकि नया बॉल से उसको जो स्विंग मिलता है शाहीन को वो ही मिलना है. और कितनी दफ़ा बताया T20 में कि अगर पहला ओवर स्पिनर करेगा दूसरे साइड से स्विंग नहीं हो सकता अगर स्पिनर को एक भी चौका लग गया. Alright, मोहम्मद एहसन गोहर का सवाल है और वो कहते हैं Have we lost the game? Why such long faces in the pavilion?
because it's 12 o'clock at night. We came here at 11 in the afternoon. Kar, baithe baithe bada asaan hai kehna. Kaun se long faces yaar? Abhi itne aapko native sunaye. Aap dekhiye, kamaal hai. Kisi ne pura aage baat nahi suni. So unhone kaha, why the long faces? Have we lost the game in the pavilion? More than 30 minutes into the program, not a single praise for players or team performance who has won 5 out of 5. Only criticism and worries. Please back our team that has done what our legends were not able to do. What's his name? Mohammed Ehsan Gohar. Iski baki tweets check karo Pakistan ke bare mein jab ye haarta hai. Sabse zyada tag yehi karta hoga. Hum wo baatein kar rahe hain jiska problem ho sakta hai. We have praised our team from last 1 month every day. We are proud of them the way they played. They stop being abba banna band kar deo. All right, you got your answer, daddy. All right, Ikramul Ahad poochte keh rahe hain, ask the pavilion mein. We all love Agha Bata stuff. And great to see two W's having great respect for each other and camaraderie. But I have a question for both of them. Do they regret not having this type of camaraderie and level of friendship during their playing days? You got a wrong news, buddy. Yeah. We were exactly the same while we were playing. We had a little differences like everybody does when you play together for 15 years. अगर आप अपनी बीवी के साथ भी रहोगे 15 साल डे इन डे आउट उससे भी आर्गुमेंट होगी लेकिन मैं बीवी नहीं है यार मैं हम तो फिर लड़के हैं ओह माय गुडनेस मी मैं याद रहे बाटे तू याद करा दे आगा जी राइट जनाब बिलाल अहमद राय कहते हैं Is Shoaib Malik the greatest player of spin bowling from Pakistan? Ji Misbah. I think over the years he has proved that. But spin ke aur bhi bahut achhe achhe batsman Pakistan ke aaye hain. Inji bhai bahut zabardast player the, Javed bhai. Aur sabse mere khayal mein jo Wasim bhai ko pata hai Saeed bhai jis tarike se spinners ko khelte the obviously in T20 cricket or present lot jo hai usme I think Shoaib Malik is the one who plays spin very well aur unhone Afghanistan ke against bhi ye cheez prove ki the way he batted against Rashid Khan aur us pe attack kiya so I think he is the key and that's why credit should be given to Babar because Babar ne bahut support kiya hai And if Shoaib Malik is playing this World Cup, I think Babar ka bahut bada haath hai usme. Uska usne confidence diya, usne belief kiya, and Shoaib is delivering. All right. I have a question from Amir Javed. Inka hai Javed underscore 5643. My question is to President Wasim Akram. Listening to your stories of great Ijaz Ahmed, is it not possible to invite him for the semi-final and final game? Is actually not possible. Amir, agar aap cricket ko pyar karte ho, jante ho, wo Sri Lanka baitha hai A team ke saath. So uske liye aana hai mushkil show pe. Okay. I would love to call. We'd him. Love to have we have so many stories of Ijaz Ahmed, man. Sure. He's not gonna like it though. No. Usko bata ke. Ladai ho jani hai. I mean, depend na kaun si story batani hai. Ladai kaise ho jani hai? Mera ek dream panel hai. Mera dream panel ye ki in charon ke saath na. Studio ke andar, I would love to have Inzamam, Mushtaq, Ijaz Ahmed, Saeed Anwar. Spend some money Moin. Then. Moin. Don't ask him, he's the one who's Moin. The Moin. And Moin bhai, of course. How Phir toh ladai hui hui. And Moin bhai. That would be just amazing. That would be a great panel. Can be done. Mansoor Sardar Khan. Pakistan has checked almost all the boxes so far and played tremendously well. True, we all agree, absolutely. However, there are two things we still haven't dealt with. One being no balls, painful, uske baare mein humne aaj baat ki. And secondly, a situation where both Babar and Rizwan get out early. You think we're ready for that kind of scenario in the semis, Misbah? Dekhiye, uska effect to hota hai. India ko humne dekha, jaise humare against unki top order mein do jaldi out hue. Obviously, key players hain Pakistan ke. Aur agar वो आउट होंगे तो डेफिनेटली प्रेशर आएगा बट आई ऑलवेज बिलीव दैट यू प्ले एज अ टीम और सबसे जो अच्छी बात ये है कि फ़खर जमान ने भी चाहे प्रैक्टिस मैचेस में उसने वो अच्छी इनिंग्स आके खेली ऐसी सिचुएशन में नाउ विद हफीज गेटिंग बैक इनटू फॉर्म द वे ही प्लेड इन द लास्ट टू इनिंग्स शोएब मलिक अच्छी फॉर्म में है कॉन्फिडेंट है आसिफ इज स्कोरिंग रन तो फिर नीचे हमारे पास
जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं, तो आई थिंक हमें उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह यही होता है आपकी टीम से, आप अच्छी वो रखते हैं कि ये टीम ओवरऑल जो है अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये लोग कर सकते हैं। राइट, उमर उमर अजीम अंसारी, मैं ये आखिर सवाल पर आपके ऊपर दे देता हूँ चूंकि आपसे और वसीम से ये सवाल है। उमर अजीम अंसारी आज सब पवेलियन में कह रहे हैं, अ पर्सनल काइंड ऑफ क्वेरी फ्रॉम वसीम अकरम एंड वकार यूनिस, विच यू आर वेलकम टू बाईपास इफ यू वॉन्ट। ये उन्होंने ऑप्शन दिया कि यू आर वेलकम टू बाईपास इफ यू वॉन्ट। नेवर सीन योर ग्रोन अप किड्स इन क्रिकेट अटायर, intentionally kept away from cricket or do they play and enjoy the game? One by one. I've got one son, he was here today actually. Yes, he was. And yeah, he played a little bit, he was very good athlete, he's still a good athlete. Yeah. And played soccer a lot, grown up in Australia. Cricket pe itna kabhi usne tawajjuh nahi di. He still doesn't really, he's more of a study guy, you know. Yeah, well, he's doing his medicine. He's yeah, a he's doctor, doing, so that's, he's doing that's medicine. Amazing. Lucky you, man. So, yeah. I mean, good luck. Mushkil hai. It's a 5 years of hard work. He's done it. He's done 1 year already. Yeah. So we are all praying. That's a big effort from his mother and him. They're all putting it together, and inshallah, one day he'll be a doctor. So no cricket for him. They're more of a soccer guy. Yeah. He looked very fit when we saw him today. He's fit. He's been doing weight training. Wasim, for you. Yeah, I have two boys. Tamur, he's 23, doing his masters. And the younger one is Akbar. He's 20, turning 21 in January. I suppose I have a different story. My kids were very young when their mother passed away. Akbar was 8 and Tamur was 11. So it was very tough for me to push them to play cricket. And I suppose main zindagi mein ye cheez seekha hu कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट करोगे ऑल द वे, देयर इज नो पॉइंट पुशिंग देम। सो दे वॉच इट वंस इन अ वाइल, बट उनको इतना क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है। तैमूर इज इन टू MMA, मिक्स मार्शल आर्ट, वहाँ पे वो भी ट्रेनिंग कर रहा है वो, और छोटू इज छोटू। All right, another little one also. I've got Ayla, 5 and 6 and a half, going about 12 already, and she's got her first cricket kit. Excellent. And she wants to play cricket with me for about a minute. Okay. And then she does want to play cricket. I hope you got your answer. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. Keep watching A-Sports and 10 Sports. We'll be right back. Apne sawalat hamari taraf ravana kar dijiye. Ask the Pavilion, hashtag send them over. Welcome back to a very naughty Pavilion. Main hu Fakhr Alam, aap dekh rahe hain A-Sports and 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. For all of you who are just joining in, jin logon ne pehle nahi dekha, jo abhi abhi aaye hain, dekh rahe hain ki is program mein kya ho raha hai, to abse kuch der pehle Wasim Akram aur maine ek live meme kiya tha, jisme ek aapne dekha hoga social media pe ek Haris Rauf ka ek expressions hai, Anjum Chopra ne unse jab sawal pucha hindi mein, maine hindi mein sawal kiya, main maazrat chahta hu, I do apologize, I don't know hindi words, so I just made up some words, I hope they're okay, whatever I said. Tell who you are. Yeah. Sorry? Who you acted as? Anjum Chopra. Okay. Tu bada khushwar hai, main Anjum Chopra bana hua hu bhai. Tujhe kya ho gaya yaar? Na jawab mat dein, bada masla ho jayega. So, we had... good advice? So, good, very good advice. Bilkul sahi jawab aapne diya. So, yeah, so I had Wasim Akram be Haris Rauf and I asked him a question. हमने बड़ा किया, हमने एम्पायरों से रिव्यू मांगा है इस रिएक्शन का। आपकी खिदमत में पेश है वसीम अकरम हारिस रऊफ रिएक्शन स्लो मोशन में, मुलायजा की आप पहले क्वेश्चन पूछे था, नहीं क्वेश्चन नहीं तो सीधा स्लो मोशन में आएगा। ए ये रहा स्लो मोशन में आपके सामने दोस्तों, ये है वसीम अकरम। अरे वाह जी, इस और स्लो कर दो, मैं थोड़ा तेज करो, बहुत स्लो है, थोड़ा और तेज कर ले। And this is what we have been up to in the Pavilion. God, Wasim, you're a natural, completely, totally natural. Guys, this is just fun. I mean, nothing is love. Haris Rauf, the way he's bowling, he's one of our future stars. Yep. It's just 12 o'clock and I'm tired. Yeah. Through again. Wasim loves Haris Rauf. We all love Haris Rauf. Wahab loves Anjum Chopra. I love Haris Rauf.
and Harris Roof is worth. Okay, चलो कहते हो तो मान लेते. Right. I can't love you. Okay, we're pushing the envelope here. Pemna se notice aa jayega hum sabko. Let's get going now, and we're going back to the Ask the Pavilion questions. We've got a lot of them. Or अच्छा जी, आसिफ अली का सवाल है, वो पूछना ये था रमीज सर से, वो ब्लैंक चेक का क्या हुआ, कुछ बताया नहीं किसी ने उसके बारे में. आसिफ अली ने सवाल किया, आपको पता है वसीम क्या हुआ वो ब्लैंक चेक का? नो आईडिया, आई हैव हर्ड अबाउट इट, बट उसके बाद नहीं पता लगा. ओके, उसके बाद जनाब आगे चलते हैं. व्हाई टीम पाकिस्तान ऑलवेज स्टक? ओके, ये सैयद जुनेद है. सैयद जुनेद कह रहे हैं, व्हाई टीम पाकिस्तान ऑलवेज स्टक टू सो कॉल्ड विनिंग कॉम्बिनेशन? आई बिलीव ऑन ऑल 15 ऑन द टूर हैव द एबिलिटी टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान. व्हाई हेजिटेट टू चेंज? और डू वी सी सम चेंज इन सेमीज? डू गिव अ शॉक टू ऑजीज एज वेल? सैयद जुनेद वो कह रहे हैं. I just went like एड्डा लंबा क्वेश्चन. जवाब दे आप, मैं सुना नहीं था, लंबा था हाफ में. आई वाज लाइक पाकिस्तान टीम मीटिंग पहले 15 मिनट याद है, उसके बाद बाकी टीमों से इसका जवाब भी चेंज नहीं किया. चलिए निकाल देते आप जवाब. ये है कि अगर तो चेंजेस कर देते तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होनी थी, ये क्यों कर देता है, वो क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, और खुदा ना खास्ता कोई मैच आ जाए. अब आप 5-0 जीते हुए हैं तो why to change? I think everything is working well. बस यू नो, और जैसे आगे थोड़ी देर पहले आप किसी ने एक ने सवाल किया था ना क्रिटिक्स का, क्या हम क्रिटिक्स का, हम क्रिटिक्स नहीं कर रहे हैं. आई थिंक यू टोटली गॉट अस रॉन्ग. हमने तारीफ भी की है, मैंने तो 35-8 ही तारीफ की है पहले से. बिल्कुल, लेकिन यह है कि जो चीज़ें हैं जो नज़र आई हैं बींग अ सीनियर प्लेयर्स, आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट टू जस्ट मैंशन. ऑलराइट, अरमान राणा का सवाल है आप सबसे कि आप लोगों को अपने अलावा पीएसएल के कौन से दूसरे कोचेस बहुत पसंद हैं और क्यों? वसीम, दूसरे कोचेस अपनी टीम के अलावा दूसरी टीम के कोच? Can I answer this tomorrow? Yeah, give us some time. Wakar, give us some time. छह टीमें हैं, मैं बताता हूँ कोच कौन कौन है. ये थोड़े मामला गंभीर हैं. Just kidding. कौन सी टीम अभी जीती है? अच्छा जी, ऑल ऑफ द, ये मतलूब हुसैन से सवाल है, वहां इसका जवाब आप दे दें चूंकि आप करंट टीम के साथ खेलते रहे. ऑल ऑफ द पाक टीम कैप्टन, हु हैंडल्स द प्रेशर बेस्ट इंक्लूडिंग बाबर आपकी नजर में? यार कैप्टन जो पाकिस्तान के बाबर है वो बहुत अच्छा है. मिसबा भाई इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. उसके अलावा मैं शाहिद भाई की कैप्टनसी में भी खेला हूँ. ही डजंट टेक एनी प्रेशर. तो या लाइक मोस्टली कैप्टन्स डू नॉट, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स और वो बड़ा यू नो दे आर समबडी हु परफॉर्म फ्रॉम द फ्रंट. मेरा सवाल काफ़ी देर पे है, तुसी कर लो. चले चले, मेरा सवाल है, हमारे एक दोस्त हैं, एक उन्होंने कनाडा से किया है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान इज द ओनली एशियन टीम मेकिंग टू फाइनल फॉर डिस्पाइट द कंडीशन सूट्स द एशियन टीम्स. डू यू थिंक इट वाज वन बैड टूर्नामेंट फॉर इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड हैव बीन एबल टू अडैप्ट दीज कंडीशन बेटर देन अस? मिस्टर, यू वांट टू आंसर इट बडी? आप कह रहे हैं, मैं I think overall, I don't think so okay, that is the case. I think Pakistan ko ye bhi fayda hua ke Pakistan being playing their jo hamari home series hai piche, Pakistan ke paas ek experience tha wahan pe khelne ka aur in conditions se bahut used to the. That's why I think Pakistan did exactly the same jo pichle 4-5 saal se hum kar rahe the wahan pe. I think India ko aap keh sakte hain in the start they haven't played up to their potential. पहले दोनों मैच उनके मुश्किल थे और उन मैचों में उनको स्टार्ट बिल्कुल नहीं मिला और वो अर्ली मैचेस हार गए. टूर्नामेंट्स में जैसे ये फॉर्मेट है, यूजली मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप्स में हर टीम को हर टीम से खेलना चाहिए.
और टॉप फोर की जो भी सिस्टम होता आना चाहिए ताकि हर एक को फेयर चांस हो, स्पेशली अच्छी टीमों को. बट अभी फॉर्मेट बन गया है और ऐसे फॉर्मेट में कम अगर दो मैच हार जाओ पांच में से तो कम बैक करना एक्चुअली काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है. बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए. हम यही बात कर रहे थे कि अगर पहले दो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू विन एटलीस्ट वन आउट ऑफ द टू. सो लकीली पाकिस्तान और अच्छी क्रिकेट खेला पाकिस्तान वन द क्रूशियल गेम्स और उसके बाद वी आर थ्रू. बट ओवरऑल बांग्लादेश फ्रॉम नोवेयर, आई थिंक दे प्लेड पुअर क्रिकेट. उनकी टीम को भी देखें, वो उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं आए, उनके रिसोर्सेज कंडीशंस को सही असेस नहीं किया. श्रीलंका वेरी गुड टीम, एशियन टीम्स में रिसोर्सेज बड़े ज़बरदस्त थे बट एक्सपीरियंस नहीं था, इन एक्सपीरियंस से दैट्स व्हाई दे आर वन फॉर द फ्यूचर. दे आर वन फॉर द, अगर एक साल बाद या दो साल बाद दोबारा इन कंडीशंस में खेलेंगे दे विल बी वेरी स्ट्रांग. वी डिडंट गेट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि जी जो बाहर की टीम में जो वेस्टर्न टीम में यूज्ड टू होगी. देखो पहले आज से हमारे दौर में वो सिर्फ सीरीज खेलने आती थी. ओके, तीन साल बाद आया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, चार साल बाद आया सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका. बट नाउ with all these leagues especially IPL these guys have been playing IPL from last since IPL started good 10 years ago. So they got the hang of the pitches, the conditions, the climate. So that's the answer in all my opinion. Uruj ul Islam Hashmi ka sawal hai Wahab Riaz. Wahab Riaz has impressed us as a critical analyst and now we are looking forward to him as a good commentator after retirement. What's his plan? What's your plan bhai bataiye? प्लान ऑब्वियसली जब क्रिकेट छोड़ दूंगा व्हेन आई विल रिटायर फ्रॉम द क्रिकेट आई हैव प्लान्स टू बी अ कमेंटेटर 10-15 साल बाद. तेरे की ये बात की ना तूने लड़के. आवर फ्यूचर इज इन डेंजर. या इट ऑलवेज हैज बीन. ओह माय गुडनेस, वहाब रियाज का एक सिजलिंग बाउंसर वापस. जनाब सलमान रहमान शिकागो से पूछते हैं मिसबाह-उल-हक आपसे. Salman Rehman from Chicago. Misbah bhai, you have had accomplished journey from being backbone of park batting, most successful captain, leading Islamabad United to a PSL title to being head coach of Pakistan team, who is doing a great job in the World Cup because of this was your team. What's next for you? I think cricket ke saath jaise abhi main home, obviously you cannot just get away from it. Kahin na kahin cricket ke saath रिलेटेड रहेंगे जैसे पैशन है. बट थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट है. आई बीन वर्किंग एक चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल, पहला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल बना रहा हूँ लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डिफेंस रोड. एंड यू वर सेइंग इट्स अ स्पेशल स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं बच्चों के हार्ट के, सेपरेट होते हैं देन द एडल्ट्स. जी बिल्कुल वसीम भाई, और पाकिस्तान में कम है बिल्कुल. हमारे मुझे भी नहीं पता था तीन साल पहले कि बच्चों के जो हार्ट का मसला है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उसके लिए आपके सारे डॉक्टर्स डिफरेंट हैं, उसके लिए सर्जन्स डिफरेंट हैं, उसके लिए पांच सुपर स्पेशलिटीज़ चाहिए. तो पाकिस्तान में तकरीबन 5,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर उनके दिल में सुराख होता है या नालियाँ जुड़ी होती हैं, इस किस्म के उनको प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए स्पेशलिस्ट उनको चाहिए आगे. और उसमें से तकरीबन 16,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएटली उसी साल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जबकि पाकिस्तान में टोटल 8 सर्जन हैं और टोटल हम जितना भी जोर लगा लें 3,000 से 4,000 बच्चों, 4,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते. तो वो तकरीबन 20,000 में से 16,000 का एक बैकलॉग जो है ना वो रह जाता है. दैट्स वाई आई थॉट के दिस इज़ अ गुड कॉज. अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा स्पेशलाइज हॉस्पिटल नहीं है. सो आई बीन वर्किंग ऑन दैट. कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हो गई है और नेक्स्ट मेरे ख्याल में 6 मंथ्स में जिस तरह हम काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लोगों को बता देता हूँ कि 2.4 मिलियन हमें चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में. इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो भी हो रहा है, 12 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो चाहिए हमें फर्स्ट फेज कंप्लीट करने के लिए. ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल स्पेशलाइज फॉर चिल्ड्रन जो कि बच्चे पैदा होते हैं इस मर्ज़ के साथ. एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है, दैट्स वाई इसके साथ ट्रेनिंग
और रिसर्च भी इस उस पर करेंगे ताकि और ज्यादा 8 सिर्फ सर्जन पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान Children Heart Foundation, North America is supporting. वहाँ पे भी registered है. So overall, people are supporting this cause. और अभी तक ये चल रहा है. पहले operations different hospitals में करवाते थे. But now we are working on our own hospital. So hopefully, inshallah. सबकी support के साथ. Well done, very well done. Best of luck for that, Skipper. And as Wasim bhai said, Waqar bhai said, Wahab, we're all here for you to support the cause. And with that. We have another cause, and that's taking a break. We will see you on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. These guys are not going anywhere. We're going to be right there when you come back. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching A Sports and 10 Sports. With me in the Pavilion are the Pakistani legends, superstars, and very, very tired and sleepy people. Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah-ul-Haq and Wahab Riaz. Not to mention that my baja is also bach chuka hai mukammal taur pe dosto. Mera khayal hai isko yahi pe khatam kare to kaise nahi agar hai sawal to dasso yaar bade enthusiastic lag rahe hain nahi keh sakte ho bhi keh rahe aur koi sawal hai to dasso kar liye Waqar bhai hun te sirf chutti da hi sawal hai all right let's go all right so guys kal hum aapki khidmat mein hazir honge 5 बजे एक नहायत ही अहम मैच है इंडिया वर्सेस नामीबिया अहम बहुत अहम मैच है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से वर्ल्ड कप का मैच है अगर एक अल्लाह खेलते तो दुबई ग्राउंड का किराया याद आता दोनों में दे देते हम कुछ कर, कुछ ना कुछ होना वो आप क्या कह रहे थे कि जी कोई कोई जो जो क्राउड आएगा जो लोग आएंगे उनको क्या दिया जाएगा गालिबन अनाउंसमेंट की गई है कि फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है चाय भी दी जाएगी फ्री में डिनर भी दिया जाएगा गालिबन और तकरीबन गालिबन सबने ये कहा है नहीं वो कोई अनाउंसमेंट आई है बीसीसीआई वो आईसीसी की तरफ से कि वो सपोर्ट करना चाहते हैं इस मैच को लेकिन मेरा सवाल है कि ये मैच क्यों खेला जा रहा है वैसे It's there. It's a tournament. That's what it is. You can't just say I'm not playing because of the tournament. That's what it is. जब वसीम भाई ये मैच आज ही खेल लेंगे कल छुट्टी हो जाएगी हमारी छुट्टी हो जाती है गोल्फ ऑफ खेल लेते हैं चलें जी इसके साथ ही कल आपकी खिदमत में 5 बजे हाजिर होंगे आपको अंदाजा हो गया है हमारी गुफ्तगू से कि हमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है शो में फिलहाल हम सोना चाहते हैं घर जाना चाहते हैं वहाब जो है वो भी अपने घर जा रहे हैं लाहौर जा रहे हैं हमें छोड़ के कल नहीं होंगे डंडी मारी है इन्होंने वहाब है बस सेफ फ्लाइट बैक होम थैंक यू वेरी मच बकार आई विल मिस यू गाइस खुशियां देखो खुशियां देखें आई विल मिस यू गाइस यस वी विल मिस नो यू वांट यू आर अ लायर आई डोंट वांट टू Waqar, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. जैसे ही run rate के मसले हल हुए आप उनको वापस भेज रहे हैं. जैसे ही run rate के मसले. Misbah, thank you very much and good luck with the hospital. We truly wish you all the best. Wasim, Payan, yes. और कोई action option कर लिए जानते जानते. अब एक ही action रह गया. Only a bad routine में. हाँ, बस. ठीक. नहीं मेरी क्या bad routine. All right, folks. This is the Pavilion. And you are watching A Sports and 10 Sports. And I am Silfa Khayalam. And we will be back at 5 p.m. tomorrow. Apna khayal rakhiyega. Shabba khair.